आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए के संजीव कुमार ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, कार्रवाई करने पहुंची टीम पर पथराव हुआ था। पुलिस की 2 गाड़ियां, एलडीए का पोकलैंड इस दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद अब इस मामले में एफआईआर लिखाई गई है। बिल्डिंग गिराते वक्त ये बवाल हुआ था, जिसमें तमाम लोग मौके पर पहुंची हुई प्रशासनिक टीम पर पत्थर फेंकने लगे थे। वहीं इस मामले की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। लखनऊ से खबर है, जहां अकबर नगर में पत्थरबाजी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कार्रवाई करने पहुंची टीम पर कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद अब 7 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ एलडीए के संजीव कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। और अब इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, पुलिस की 2 गाड़ियां और एलडीए का पोकलैंड इस पथराव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। थाना महानगर क्षेत्र में दिनांक 10 मार्च को जो घटना हुई थी, उसके संबंध में एनडीए के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 7 नामजद हैं और कई अज्ञात। इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। लखनऊ से खबर है, जहां हिंदू युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदित्य मिश्रा ने कॉरपोरेट ऑफिस में आत्महत्या कर ली है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। वहीं ये भी बताया जा रहा है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर के दबाव से आदित्य मिश्रा के आहत होने की खबर सामने आ रही है। ये पूरा मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जहां हिंदू युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, आदित्य मिश्रा ने कॉरपोरेट ऑफिस में आत्महत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मिले हुए सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 बजे लगभग सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। ये आदित्य मिश्रा सनाब जगत नारायण मिश्रा हैं, जो गुसाईगंज के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये आज अपने कार्यालय में बैठे थे और उन्होंने पिस्टल से गोली मारी है, जो पिस्टल मौके पर है, और एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपने आप ही आत्महत्या की है। बाकी इसकी जांच की जा रही है, तथ्यों का विश्लेषण करके कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट में किन बिंदुओं को दर्शाया, क्या वजह दर्शाई जिस वजह से आत्महत्या की? देखिए, उसको बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना प्रथम दृष्टया है कि सुसाइड नोट है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।